सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रदेश की राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारने का प्रयास करती है, लेकिन बच्चों को योजनाओं का लाभ लेने के साथ साथ स्कूल में काम भी करना पड़ता है। झल्लारा ब्लॉक के देवगांव स्थित सरकारी स्कूल में छात्रों के लिए सरकारी योजना के तहत साइकिल लाने के लिए आसपास के कई सरकारी स्कूली छात्रों को टेम्पो और अन्य वाहनों में देवगांव भेज दिया गया। साइकिलें लोडिंग वाहनों में रखने के बाद जगह नहीं बची तो बच्चों को वाहनों के केबिन में बैठना पड़ा। साथ ही कई अध्यापकों ने साइकिल वाहनों में रखने के लिए मजदूरों के बजाय स्कूली छात्रों से ही काम करवा दिया। साइकिलें रखने के बाद जगह नहीं बची तो बच्चे बैठे केबिन पर। सलूंबर जिले की देवगांव ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवगांव में अन्य स्कूल से शिक्षक के साथ साइकिल लेने आए बच्चे साइकिल वाहन में भरने के बाद जगह नहीं मिली तो वाहन के छत के ऊपर बैठकर गए अपने स्कूल। रास्ते में वाहन के छत के ऊपर बैठे बैठे मोबाइल से सेल्फी लेते नजर आए। कहीं मजदूर तो कहीं छात्रों के साथ शिक्षक पहुंचे साइकिल लेने। जिले के कई सरकारी स्कूलों में साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिल लेने के लिए शिक्षक लोडिंग वाहन के साथ मजदूरों को लेकर देवगांव स्थित सरकारी स्कूल पहुंचे तो कुछ सरकारी स्कूल के जिम्मेदार शिक्षक स्कूली बच्चों से ही मजदूरी करवाते दिखे। शनिवार दिन भर देवगांव के इस सरकारी स्कूल में गहमा गहमी के माहौल के बीच ये नजारा देखने को मिला। जब इस घटनाक्रम के बारे में स्कूल के बाहर चाय की टपरी पर खड़े कुछ शिक्षकों से बात करना चाहते तो उन्होंने स्कूली छात्रों से साइकिल भरवाने की बात को सही बताया, लेकिन जब कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो शिक्षक टालमटोल करते हुए जवाब देते नजर आते हैं। लोडिंग वाहन में साइकिल भरवाने के बाद कई स्कूल के शिक्षक अपनी मोटरसाइकिल पर चार चार बच्चों को बिठा कर ले जाते नजर आए। इस दौरान शिक्षकों के सर पर हेलमेट नहीं था। अगर बाइक से ही स्कूल जाते वक्त कोई दुर्घटना हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? शिक्षकों की ये लापरवाही अभिभावक को पड़ सकती है महंगी। कुछ राज्यों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने छात्रों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। हालांकि कुछ स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही से बच्चों को खतरे में डालने की खबरें आ रही हैं। कुछ महीने पहले उदयपुर शहर के नजदीक नीला तालाब स्थित स्कूल के कार्यक्रम के दौरान स्कूल बिल्डिंग का पिलर रस्सी से बांधने की वजह से टूट कर नीचे गिर गया, जिससे दो छात्राओं की मौत हो गई थी और तीन छात्र घायल हो गए थे। इस दौरान कुछ शिक्षकों को अपनी मोटरसाइकिल पर चार चार बच्चों को बैठा कर ले जाते नजर आए, जिससे उन्हें हेलमेट पहनना भी भूल जाते हैं। अगर बाइक से ही स्कूल जाते वक्त बीच में हादसा हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।